समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना अधिकारी हुक्म चंद गौतम ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा पलवल जिला के पलवल, होडल, हतीन व हसनपुर ब्लॉक में दिव्यांग बच्चों के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पलवल ब्लॉक के दिव्यांगों के लिए शिविर लगाया गया है। शिविर में लगभग 150 दिव्यांग बच्चों ने शिविर में लगभग 150 दिव्यांग बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। जांच के उपरांत बच्चों के प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। उसके आधार पर बच्चों को सहायक उपकरण जिनमें व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, मैजिक स्टिक, हेयरिंग, कान की मशीन के अलावा जिन बच्चों के अंग छोटे हैं उनके लिए एल्मिको कंपनी द्वारा हाथ पैर के कृत्रिम अंग बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गत वर्ष पलवल जिले में 87 बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। वहीं समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों की पेंशन बनाई जाएगी और बस व रेल के पास की सुविधा प्रदान की जाएगी। सर, आज हमारे जिले के जो चार खंड हैं उनमें से एक पलवल खंड का ये कैंप है। अभी तक 130 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे बच्चों के हो चुके हैं और यहाँ पर सभी प्रकार के जो दिव्यांग हैं हमारे, चाहे वो शारीरिक रूप से हों, चाहे मानसिक हों, और चाहे किसी भी प्रकार के वो उनकी अंदर विकलांगता है, उनकी आज यहाँ पर जांच की जा रही है। और जांच करने के उपरांत डॉक्टरों की, जो डॉक्टर हमारे सर्टिफिकेट बनाएंगे, सर्टिफिकेट के आधार पर जिस भी सहायक उपकरण की वो सलाह देंगे, फिर हमारा विभाग उन सभी बच्चों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराएगा जिनमें ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, हियरिंग, जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए कान की मशीन, या जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए मैजिक स्टिक, और जिन बच्चों के अंग छोटे हैं जैसे एलिमको नाम की कंपनी से हमारे पास विशेषज्ञ आए हुए हैं, वो बच्चों के हाथ पैर या शरीर के अंगों की वो मेजरमेंट करेंगे। और अगर वो कहीं से छोटे बड़े, जैसे मान लो दो पैर हैं, एक पैर सामान्य अवस्था में है, एक पैर छोटी अवस्था में है, तो उसके लिए जो एक विशेष प्रकार के जूते या कोई और उपकरण जो भी वो वहाँ पर उनकी वो रिकमेंडेशन देंगे, उनके आधार पर उन बच्चों को सहायक उपकरण आगे जाकर के उपलब्ध कराए जाएंगे।